तो म्यू इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नॉन एज द कॉफिशियंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी और ओनली विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी भी हम किसको बोलेंगे, म्यू को बोलेंगे। और अब हम बात करेंगे डी यू बाई डी वाई, यानी कि डी यू बटे डी वाई क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को, यानी कहीं भी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आ जाए तो उसका मतलब है डी यू बाई डी वाई। और किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन को, और किसको करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी इसे ही बोलते हैं डी यू बाई डी वाई, शियर डिफॉर्मेशन भी डी यू बाई डी वाई, और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी डी यू बाई डी वाई। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, जो मेन इक्वेशन है इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हर जगह काम आएगी, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू वाई डी वाई। इसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी की अगर इक्वेशन हम पूछना चाहें तो विस्कोसिटी की इक्वेशन क्या हो गई, इस म्यू को इधर ले आएंगे और इस टाउ को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, म्यू इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट में, थोड़ी सी और वीडियो है बस, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हम देखेंगे, देखो इससे ही निकाल लेते हैं, तो म्यू इक्वल टू व्हाट, टाउ डिवाइड बाई डी यू बाई डी वाई। अब यहां पे जो टाउ है वो है शियर स्ट्रेस, और इसकी यूनिट है फोर्स पर यूनिट एरिया, और डी यू बाई डी वाई, डी यू क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई टाइम, और बच गया डी वाई। डी वाई क्या है, हमें पता ही है वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस से डिस्टेंस कट हो गया, नीचे डिस्टेंस से डिस्टेंस कट हो गया, अब नीचे क्या वन बचा, वन बटे टाइम। तो ये जो है हमारा अब हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम, ये ऊपर चला जाएगा टाइम, और डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स इंटू टाइम डिवाइड बाई एरिया। अब फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से, और एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर स्क्वायर से। तो विस्कोसिटी की जो यूनिट हो गई वो हो गई न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो गई। अब हम देख लेते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट है आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब तीन चीजें हैं, एक तो एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं केजीएफ से, तो एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट है विस्कोसिटी की वो है केजीएफ सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और जो 1 केजीएफ होता है, 1 केजीएफ जो होता है वो होता है 9.81 न्यूटन के बराबर, ठीक है। एक सिस्टम ही हो गया। अब एक सिस्टम है आपका सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डाइन से और लेंथ को करते हैं सेंटीमीटर से। तो सीजीएस सिस्टम में न्यूटन की जगह क्या आ गया, डाइन आ गया सेकंड, और नीचे मीटर स्क्वायर की जगह क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एमके सिस्टम में पता चल गया, सीजीएस सिस्टम में पता चल गया। अब हम फॉलो करते हैं एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में फोर्स को हम न्यूटन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सेकंड को क्या है, सेकंड को सेक ना लिख के हम खाली एस लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो हमारी एसआई यूनिट है वो है ये
न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं ऐसे ही सिस्टम में, एन एस डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो सेकंड में भी अंतर आया है, ऊपर लिखते हैं।